हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। बुद्ध पूर्णिमा के बाद की ये एक नई सुबह और मैं एक नई खबर के साथ एक खुशखबरी लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ। एक बहुत ही नई, बहुत ही प्यारी, बहुत ही मीठी सी कहानी रोली सक्सेना की। ठीक है, रोली सक्सेना मेरी सोल सिस्टर है, मेरी सब्सक्राइबर है और इन्होंने मुझसे टेलीफोनिक काउंसलिंग ली थी जिसमें उन्होंने मुझे कुछ बातें शेयर करी थी और उनकी परमिशन से ही मैं आपको इनके बारे में कुछ, या डिवाइन रियूनियन कहिए आप इसको, बल्कि उसका एक्सटेंशन कहिए, डिवाइन रियूनियन के बाद की कहानी। उनसे मैंने परमिशन ली है और उसके बाद मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही प्राउडली, बहुत ही हैप्पीली मैं शेयर कर रही हूँ। और उसके पहले मैं इस डिवाइन कपल को अपना दिल से हार्दिक ब्लेसिंग्स देती हूँ कि आप जिस तरीके से अपनी इस जर्नी में यहाँ तक पहुँचे, भगवान आपको आगे आशीर्वाद देता रहे और मेरे हमारे सारे डिवाइन कपल्स को आशीर्वाद देता रहे। चलिए, इनकी कहानी कुछ इस प्रकार से है। रोली भी मैरिड है, इनके डिवाइन काउंटर पार्ट भी मैरिड है, ठीक है। लेकिन ये कहानी इनकी शुरू हुई थी 26 साल पहले, जब रोली की शादी नहीं हुई थी। इनकी जर्नी 26 साल पहले शुरू हुई थी जिसमें कि क्योंकि ये सेम कास्ट शेयर करते हैं तो इनके डीएम के पास इनका शादी का प्रपोजल गया था। बट क्योंकि इनके डीएम उस वक्त किसी अफेयर में थे ऑलरेडी, तो उन्होंने इस वक्त रोली कि इस प्रपोज़ल को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। वो उस कनेक्शन को सब तब समझ नहीं पाए थे कि क्या बात है। फिर उसके बाद कुछ 4-5 साल पहले किसी प्रोग्राम में रोली अपने ही डिवाइन काउंटर पार्ट से मिली और वो ही इनके पास आए और बातचीत चालू हुई। और उसके बाद 2-3 मीटिंग्स हुई, मिले बात और बहुत ही अच्छी, धीरे धीरे जैसे ऐसे मिलते गए, बातचीत गहरी होती गई फेसबुक पे, फ़ोन पे, लाइक दिस। और उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि उस वक़्त मैं इस कनेक्शन को समझ नहीं पाया था क्योंकि मेरा ऑलरेडी अफेयर चल रहा था और फिर मेरी शादी भी उसी इंसान से हुई है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों मैं इस रिश्ते में वो खुश नहीं थे क्योंकि वो इस कनेक्शन को रोली जी के साथ जो कनेक्शन था उसको वो इग्नोर कर गए, समझ नहीं पाए। और थ्रू आउट द लाइफ वो उनको वो चीज़ मिल नहीं पाई जो वो अपने ही लव अफेयर से एक्सपेक्ट कर रहे थे। तब भी एक खालीपन, तब भी एक कमी उनको लग रही थी। जिस चीज़ की उन्होंने उम्मीद की थी कि मेरी ज़िंदगी का वो प्यार, मेरा वो खालीपन, मेरी ज़िंदगी की वो ज़रूरत, ज़रूरत सिर्फ फिज़िकल नहीं होती है, कुछ ज़रूरतें इमोशनल भी होती हैं, वो मेरी इस इंसान से होगी, लेकिन वो नहीं हो पाई। वो कैसे हो सकती थी क्योंकि उनका काउंटर पार्ट तो रोली है जिसको वो तब समझ ही नहीं पाए। खैर, धीरे धीरे ये लोग मिले और क्योंकि दोनों ही बहुत मैच्योर कपल थे, हर प्रकार के संघर्ष को उन्होंने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ जिया। कहते ना, लाइफ में जब स्ट्रगल्स आते हैं या कुछ भी, तो हम लोग को ना उस स्ट्रगल को ना का सामना नहीं करना पड़ता, उसको जीना पड़ता है। जब आप ये सोच रखें कि हमें स्ट्रगल्स को जीना है, तब हम पॉजिटिवली जीते हैं। उन्होंने जिया और हमको मैच्योरली जीना चाहिए, हमारे अंदर मैच्योरिटी होना चाहिए, हमारे अंदर समझ होना चाहिए कि एक ऐसा रिश्ता है जो कि शायद सोसाइटी के सामने एक्सेप्टेबल नहीं होगा, उसको हमें कितनी इंटेलिजेंटली, कितनी मैच्योरली जीना है। अगर ये आपको आ जाए तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है, पर ये मैच्योरिटी डेवलप हमें करनी चाहिए जो इस डिवाइन कपल में थी। दोनों का फिर डिवाइन रियूनियन हुआ, दोनों ही का ही मतलब माइंड बॉडी सोल अलाइनमेंट हुआ। जैसे कि रोली जी ने बताया कि उनकी डिवाइन काउंटर पार्ट बहुत ही डिवाइन पर्सन है। मैंने टेस्ट करने के लिए उनसे पूछा भी कि बताइए, अगर आप कुछ अच्छा काम, सोशल वर्क करना चाहेंगी तो क्या वो एग्री करेंगे। उन्होंने तो मुझे कहा, मैम वो तो मुझे पहले से बोल रहे हैं कि हम लोग को कुछ अच्छा काम करना चाहिए और तुम ये करो। वो मुझे गाइडेंस देते रहते हैं, आइडियाज़ देते रहते हैं कि तुम ये करो, तुम वो करो, लाइक इस प्रकार से। एंड ही इज़ वेरी डिवाइन पर्सन, बहुत ही स्पिरिचुअली अवेकन है
बहुत ज़्यादा पेशेंस है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं, बहुत ही उनको प्यार करने वाले इंसान हैं। तो बेसिकली उनका मुझे कॉल इसलिए भी आया था कि मैम इसके बाद आगे मुझे क्या करना है, क्योंकि अब तक तो कॉल आते थे मेरे पास कि रीयूनियन कैसे होगा, रीयूनियन कैसे होगा, लेकिन आई वाज रियली वेरी हैप्पी टू शेयर ऑल ऑफ यू दैट ये कॉल इसीलिए आया था कि रीयूनियन के बाद क्या होता है मैडम, मुझे इसके बाद आगे क्या करना है। सो मैंने आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि ये जर्नी पे ऐसा नहीं है, हम लोग शुरू में सोचते हैं कि सिर्फ डिवाइन फेमिनिन ही काम करती है और मैस्कुलिन बैठा रहता है, मैस्कुलिन को कुछ नहीं करना है, पर ऐसा नहीं है। मेहनत दोनों को ही करनी पड़ती है। हाँ, ये है कि फर्स्ट हाफ ऑफ योर जर्नी डीएफ लीड करती है, सेकंड हाफ ऑफ योर जर्नी डीएम लीड करता है। सेकंड हाफ मतलब जब तक आपका रीयूनियन होना है, जब तक अवेकनिंग वाला पोर्शन जो है फ्रॉम थ्रू साधना, ये यूनिवर्स ने टीएफ को दिया है कि तुम अपने आप को अवेकन करो, स्पिरिचुअली अलाइन करो, तुम्हारे स्पिरिचुअली अलाइन होने से तुम्हारा पर्सन भी अलाइन होगा। बट हाँ, फर्स्ट हाफ में मेहनत तुम्हें करनी है। तो फर्स्ट हाफ में मेहनत डीएफ करती है, तब डीएम को थोड़ा सा रिलैक्स होता है कि वो ये तो डीएफ के जो गाइडेंस से हील होता है, अवेकन होता है, उसकी एनर्जी से हील होता है, और कुछ यूनिवर्स जो भी उसको सिचुएशंस देकर देता है लाइफ में, उससे कार्मिक से वो हील होता है, अवेकन होता है। ठीक है, जब रीयूनियन हो जाता है तब फिर डीएम लीड करता है। डीएम कहता है अब ये रीयूनियन हमारा सिर्फ रोमांस करने के लिए नहीं है। डीएम खुद वो चीज़ें करता है जिसके दोनों मिलके डेफिनेटली आपकी मेडिटेशंस, आपकी जो भी स्पिरिचुअल साधनाएं हैं, वो जो जिससे कि आप दोनों की ही एनर्जी मदर अर्थ को मिलती है आफ्टर रीयूनियन, वो तो हमारा पर्पज़ होता ही है, दैट हेल्प्स इन द चेंजिंग ऑफ द मैट्रिक्स। बट अब आपको आगे की ये नहीं कि अब आपको आगे साधना नहीं करनी है या आपको बस अब रोमांस करना है, नहीं। साधना, चक्रा साधना, ध्यान, मेडिटेशन आपको थ्रू आउट योर लाइफ करना है। जैसे हम रोज़ खाना खाते हैं ना, आज खाना खाया तो क्या हुआ, कल भी खाना खाएंगे, क्योंकि कल हमको फिर चाहिए अपने एनर्जी, अपनी फिज। ठीक है, उसी प्रकार से हमने अगर आज साधना करी, हमारा आज रीयूनियन हो गया, तो हमें कल फिर हमें अपनी लाइफ टाइम रीयूनियन करना है, क्योंकि हमें लाइफ टाइम यूनिवर्स से कनेक्टेड रहना है। यूनिवर्स से हमारा ताल्लुक सिर्फ रीयूनियन तक का नहीं है, यूनिवर्स से हमारा ताल्लुक तो इटर्नल है, वो तो हमारे मृत्यु के बाद भी है। तो हम यूनिवर्स को कैसे छोड़ सकते हैं, हम साधना कैसे छोड़ सकते हैं, वो तो हमारा सोल फूड है, साधना हमारा सोल फूड है, वो हम नहीं करेंगे तो हम तो ख़त्म, वी आर नो वेयर, वी आर जस्ट इम्बैलेंस, नेगेटिव, लो वाइब्रेशन। वेल, तो ये तो करना है। प्लस मैंने गाइड किया कि आप लोगों को मिलकर समाज के लिए अब काम करना है, जिसमें दोनों को मिलकर लीड करना है। लीड वो करेंगे, गाइड वो करेंगे, आपको अब आपको उनका हाथ पकड़ना है। अभी आपकी साधना में आप साधना कर रहे थे, वो आपका हाथ पकड़े थे थ्रू कॉर्ड्स, समझ लीजिए वो जुड़े थे, वो भी अपनी जर्नी में। देखिए इमोशंस जिस लेट बी क्लियर यू वेरी क्लियर कि जब डीएफ साधना करती हैं, वो जिस भी इमोशन से गुजरती हैं उस टाइम पर, ऐसा नहीं कि डीएम आराम से घूमता रहता है, वो भी उसी कन्फ्यूजन में, वो हर एक एनर्जी में वो भी रहता है, वो जब तक चिल नहीं कर सकता जब तक कि आपका रीयूनियन नहीं होता। ये चीज़ को आप लोग गार्ड बांध लीजिए। अगर वो बंदा आपका डीएम है और आप इस जर्नी में चल रहे हो, तो अगर आप लो हैं तो वो भी लो रहेगा, आप अगर हाई वाइब्रेशन में आ रहे हो, बैलेंस हो रहे हो, तो वो भी बैलेंस होता जाता है। लेकिन हाँ, जब तक रीयूनियन नहीं होता वो भी बड़ा खुश आपको नहीं दिखेगा। आप लोग ध्यान दीजिए, नोट करिए इस चीज़ को, जैसे जैसे आपकी एनर्जी चेंज होती है वैसे वैसे आपके डीएम की भी एनर्जी वैसे ही चेंज होती है। लेकिन जब तक कि आपकी रीयूनियन नहीं होती, वो अपनी लाइफ को बिल्कुल ऐसे फ्रीली इंजॉय नहीं करता जैसे वो पहले करता था। उसी तरह जब आफ्टर यूनियन आपका पर्सन आपको आगे की जर्नी लीड करता है कि अब हमें ये सर्विसेज करना है, तो उसमें आपको उसका हाथ पकड़ना है कि ठीक है, मैं भी आपका साथ दूंगी। सपोज़ मुझे ऑफिनेज खोलना है,
ठीक है, तो आप ऑर्फनेज खोलने में साथ दीजिए, हम लोगों को हर महीने गरीबों को इतना खाना खिलाना है, तो हाँ आप उनको साथ दीजिए, इतना खाना खिलाना है हमको, गरीबों हम गांव गांव जाके उन गरीब लोगों का ट्रीटमेंट करवाना है जो शहर तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिनकी आंखें ख़राब हो रही हैं, जिनके जिनको डायबिटीज़ हो रही है, उनको जिसको गठिया की प्रॉब्लम है, लेकिन वो इतना पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते डीप रूटेड इंटीरियर्स में जाके गांव गांव में। तो हमको ये एक लेना है कि हम साल में इतने गाँव कवर करेंगे, इतने एरियाज़ कवर करेंगे और उनका उनको फ्री ट्रीटमेंट दिलवाएंगे, उनके लिए मेडिकल कैंप्स खुलवाएंगे। मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लीड है डीएम, जिसको साथ देती है डीएफ। तो ये होती है आपकी जर्नी, ठीक है दोस्तों। तो इस खुशखबरी के साथ फिर मैंने आपको गुड मॉर्निंग करने आई थी। आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो ध्यान रखिए, आप सबको डिवाइन ब्लेसिंग्स। आप सबका रियूनियन होगा, आप सब लोग एक होंगे रोली सक्सेना जी की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, टेक केयर, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर माई एवरी नेक्स्ट अपडेट्स। और आई विश कि सब लोग आज रोली सक्सेना जी को बधाई दीजिए, विश करिए और उनसे सीखिए। गॉड ब्लेस यू।